हस्बैंड वाइफ रिलेशंस है ना, टॉपिक इंटरेस्टिंग है लेकिन थोड़ा सा अजीब सा है। पति पत्नी संबंध के बारे में मुझे कई बार एक ताजुब होता है कि जब मैं कई बार सुनता हूँ कि पति पत्नी भी आपस में झगड़ते हैं। मेरे आज तक समझ में नहीं आया कि पति पत्नी किस बात पे झगड़ते होंगे। पर इसके पहले अपन चलते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि पति और पत्नी के संबंध क्यों ये शादी नाम की संस्था बनी होगी। इसीलिए मनुष्य सामाजिक प्राणी है और समाज की इकाई परिवार है और परिवार की एक और इकाई शादी है और ये एक बहुत मीठा संबंध। अब 8 तरह के विवाह शास्त्रों में बताए हैं, गांधर्व विवाह है, सभी तरह के विवाह है। बात इस पे आ जाते हैं कि विवाह हो गया, विवाह होने के बाद में पति पत्नी के संबंध कैसे रहे, झगड़ा किस बात का। मैं ये मान के चलता हूं कि जब एक दूसरे के पति पत्नी के जेवर एक दूसरे के नहीं बैठते, कपड़े एक दूसरे के नहीं बैठते, सैंडल एक दूसरे के नहीं बैठते, श्रृंगार के साधन एक दूसरे के नहीं बैठते हैं, दोनों के अलग अलग होते हैं, तो भाई फिर ईर्ष्या और झगड़ा किस बार बात के क्यों होता होगा। दोनों की औलादें एक होती है भाई, दोनों की संपत्ति एक होती है, झगड़ा किस कारण, कोई कारण ही समझ में नहीं आता। और खास तौर से मैं यह मान के चलता हूं इसमें पुरुष को पहल करनी चाहिए। एक स्त्री 24 साल 25 साल अपने माँ बाप के घर पे रहती है और एक शादी का बंधन और एक ही रात में वह दूसरे परिवार की सदस्य बन जाती है और उस परिवार को अपना बना लेती है, उसके रिश्तेदारियों को अपने रिश्तेदार बना लेती है, सारी जिंदगी ससुराल में रह जाती है। अरे मुझे, मैं थोड़ा बहुत तो सोचता हूँ कि ठीक ठाक सा व्यवहार करता होऊंगा, मुझे 7 दिन आप ससुराल में छोड़ दो मैं पागल हो जाऊंगा। और वह आपके साथ सारी जिंदगी आपके रिश्तेदार और ससुराल में रहने आ गई है, कैसे झगड़ा कर सकता है कोई पति से। इसीलिए यदि ऊंची आवाज में कभी बोलना भी हो जाए, गलतियां तो सबसे होती है, क्या आपसे नहीं हो सकती। पुरुष से ज्यादा गलतियां तो कोई कर ही नहीं सकता है जब वो आपको इतना निभाती हैं। तो हमें कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज तो दरगुजर करनी चाहिए ना। इसीलिए सभी पुरुषों को मेरा ये संदेश है कि कृपया कभी ऊंची आवाज में अपनी पत्नी से बात न करें। और अपनी गलती ना, एक बहस होती है, मैंने कुछ मेरे फ्रेंड्स के बीच में पति पत्नी में बहस देखी है, तब वो बोलते हैं कि साहब हम आपस में बहस बहुत होती है। मैं कहता हूँ कुछ नहीं करना, बहस किस बात की, दोनों में से एक जना बोल दो, सिंपल बात बोलनी है, मुझसे गलती हो गई, मैं शर्मिंदा हूँ, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अब बताइए दुनिया का कोई स्त्री या पुरुष बहस को आगे बढ़ा सकता है कि कोई अगर दूसरा पक्ष इस बात को बोल दे, सिंपल बात है, मैं शर्मिंदा हूँ, आइंदा ऐसा नहीं होगा। चाहे गलती रही हो या नहीं रही हो, फर्क क्या पड़ रहा है, हम कौन से छोटे बाप के हो जाएंगे भाई। इसीलिए पति पत्नी के अंदर तो माधुर्य के अलावा कुछ होना ही नहीं चाहिए। अब ये क्या हुआ कि एक शादी के समारोह में मैं गया हुआ था, वहां पे मैंने ये बात बताई तो वहां कई जोड़े थे, तो इतने में वो एक स्त्री बोलती, बड़ी 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 उस अच्छे घराने की थी, उसने कहा मनोज जी आप तो ये कह रहे हो कि झगड़े नहीं होने चाहिए, अरे मेरे पति को समझाओ रात दिन झगड़ा करते हैं। मैंने कहा किस बारे में करते हो जी श्रीमान जी। वो बेचारे शर्मा गए। मैंने कहा भाभी साहब आप बताइए किस बारे में झगड़ा होता है। बोले ये चम्मच इधर से क्यों रख दिया, ये ग्लास यहाँ से इधर से क्यों रख दिया, इस बात पे झगड़ा करना चाहते। अर्थात मुझे ये बात समझ में आई कि आप चाहो तो किसी भी बात पे झगड़ा कर सकते हो और चाहो तो परिवार को आनंदित रख सकते हो। आपके बच्चे वही तो सीखेंगे जो देखेंगे। जब माता पिता झगड़ेंगे तो बच्चे भी झगड़ेंगे, बच्चे झगड़ेंगे तो परिवार टूटेंगे। क्या हम परिवार का विघटन चाहते हैं क्या। इसीलिए ये स्त्री पुरुष का जो संबंध है वो माधुर्य वह बना रहे, यह आपसे प्रार्थना है।